7 देखिए, कैरेलेट आर एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पिरामिड में इस तरह से है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस का मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से लेस देन है। द रिलेशन ऑन सेट ए, सेट ए यहाँ पे दिया हुआ है जिस पर ये रिलेशन हो रहा है, यानी कि एक्स और वाई के वैल्यू इसी के अंदर से होंगे 1 2 3 4 5। राइट आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि इस रिलेशन आर को हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिखाना है। तो देखो हमें क्या देखना है कि वो सारे ऑर्डर पेयर एक्स और वाई किससे बिलोंग करेगा, इससे बिलोंग करेंगे, इस 1 2 3 4 5 में से, जिनके ऐसे पेयर लेने होंगे जिनके स्क्वायर का डिफरेंस का मोड निकालेंगे तो वो 1 से लेस देन होगा। तो इसमें आप और कोई भी नहीं ले सकते। अगर आप सोचो 1 1 तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का डिफरेंस 0 आएगा, 0 1 से लेस देन है। 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है ना, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और इसको छोड़कर और कोई भी आप पेयर नहीं ले सकते हो। जैसे अगर मैं 1 2 की बात करूं, देखो 1 और 2 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, घटाएंगे मोड के अंदर -3 और वो +3 हो जाएगा, तो +3 जो है लेस देन तो नहीं है ना 1 से, दैट मीन्स यही आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आर रिलेशन जो हो गया वह उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वही ना।